bookstagram.com मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुटी और आज हमारे बीच में मौजूद हैं रिटायर्ड रीजनल लाइब्रेरी गवर्नमेंट अहिल्या लाइब्रेरी प्रेसिडेंट इंदौर डिवीजन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी लेजिग्लेशन कमेटी के एमपी के चेयरमैन मिस्टर डॉक्टर जीडी अग्रवाल जी, जिन्होंने अहिल्या केंद्रीय लाइब्रेरी के कायाकल्प में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हम जानते हैं उनके बारे में और उनकी लाइब्रेरी में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उस बारे में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अहिल्या लाइब्रेरी के कायाकल्प में आपने किस तरह से योगदान दिया है। अहिल्या लाइब्रेरी की स्थापना 1961 को हुई थी और करीब 4 एकड़ में ये स्थापित है, मतलब देश की एक बड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय है। ऐसे मतलब देश में 5 पुस्तकालय हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा। ऐसे 5 सार्वजनिक लाइब्रेरी में ये अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय मध्य प्रदेश का बड़ा ख्याति नाम पुस्तकालय है और इसका जो मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग के अधीन ये संचालित है। बिल्डिंग का रख रखाव और लोक निर्माण विभाग के अधीन है, तो इसकी हालातें बहुत ख़राब हो गई थी और यहाँ रीजनल लाइब्रेरियन या लाइब्रेरियन जैसा दोनों पद खाली रहे और हालात इसकी ख़राब होती गई, उस स्थिति में हमारा यहाँ पदांकन हुआ। हम एक संकल्प लेके आए थे कि इस लाइब्रेरी को जो है मध्य प्रदेश की एक बड़ी सार्वजनिक लाइब्रेरी के रूप में स्थापित करेंगे और इसके आकर्षण के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। जैसे हमने पूरी लाइब्रेरी का सुदृढ़ीकरण करवाया, पूरा विद्युतीकरण करवाया, 37,000 वर्ग फीट में लाइब्रेरी का हमने एक नवग्रह नक्षत्र उद्यान बनाया और सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए प्रीतम लाल दुआ सभागृह की स्थापना जो है अशोक दास साहब के जो है सहयोग से और प्रेरणा से हुई। अशोक दास साहब माने एक्स डिविजनल कमिश्नर, वो इसके चेयरमैन रहते हैं। इसकी एक एडवाइजरी बोर्ड है 9 लोगों की और अशोक दास साहब के ये मन में रहता था कि मैं लाइब्रेरी का चेयरमैन हूँ और यहाँ वित्तीय समस्याएं सदैव बनी रहती हैं, कभी अखबार के भुगतान की समस्या, कभी विद्युत बिल के भुगतान की समस्या, तो उनके मन में ही एक अंतर्ग्लानी आती थी। उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी को कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ आर्थिक जो है कम जो दिक्कत है वो कम हो और शासन के ऊपर निर्भरता जो है कम हो, इसलिए उन्होंने एक मॉडल जो है PPP मॉडल में एक मॉडल तैयार किया है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में और यहाँ जो है प्रीतम लाल दुआ सभागृह की स्थापना की और 26 लाख रुपया दुआ जी ने इसके लिए दिए और जब से ये लाइब्रेरी अपने आप में विकसित होती गई 17 फरवरी 2009 को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब के कर कमलों से इसका लोकार्पण हुआ और वर्तमान में ये लाइब्रेरी अपने आप में एक मिसाल एक विकसित लाइब्रेरी की श्रेणी में जो है ये आती है। यहाँ हमने पाठकों के लिए एक विशेष अध्ययन कक्ष तैयार किया और उसमें हमने IAS, SAS, CA और CS के स्टूडेंट्स जो है विशेष रूप से पढ़ते हैं। 32 अखबार यहाँ जो है आम आदमियों के लिए पढ़ने के रहते हैं। एक रीडिंग रूम बनाया है, इसको एयर कंडीशन हमने पूरा कर दिया है, तो आज की तारीख में अहिल्या लाइब्रेरी सार्वजनिक लाइब्रेरी में एक अपने आप में एक लाइब्रेरी है। विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर आप जो है लेखकों को पुरस्कृत करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में ये तय किया, ये उस कॉन्फ्रेंस में ये आभास हो गया था कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के युग में किताबों के प्रति लोगों में लेखन की, पढ़ने की, पठन की, प्रकाशन की भावना बनी रहे, इस हेतु आज से 24-25 साल पहले ही ये जनरल कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि विश्व पुस्तक दिवस के रूप में एक दिन जो है मनाया जाए। अब ये सवाल आता है कि 23 अप्रैल क्यों तय किया गया, तो जो कॉन्फ्रेंस थी उसके सदस्य थे उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे लेखकों का जन्मदिवस या उनका जो है मृत्यु दिवस वह इस तारीख को आता है, लेकिन इसमें खास बात देखने में समझने में ये आई कि विलियम शेक्सपियर उनका जन्मदिवस और मृत्यु दिवस दोनों 23 अप्रैल हैं,
इसलिए इस 23 अप्रैल की तिथि को जो है तय किया गया। अभी हाल ही में हमने 23 अप्रैल 2019 को करीब 51 लेखकों का सम्मान किया और उसको हमने एक महोत्सव के रूप में जो है वो कार्यक्रम किया। शहर के सभी साहित्यकार उसमें उपस्थित थे। पुस्तकालय संघ में और कौन सी गतिविधियां संचालित हुई? इंदौर संभाग पुस्तकालय संघ 200 सदस्यों का एक संगठन है और इसमें 3 फंक्शंस हम करते ही करते हैं। 12 अगस्त को डॉक्टर रंगनाथन जो है भारत के पुस्तकालय विज्ञान के जनक पितामह हैं, उनका जन्मदिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन हम शहर के सभी लाइब्रेरियंस को सम्मानित करते हैं, लाइब्रेरियंस डे है। फिर 23 अप्रैल को हम लेखकों का सम्मान करते हैं, इसमें पुस्तकालय विज्ञान के बीलीवेसी और एम्बलीवेसी के छात्र भी सम्मिलित होते हैं, ये भावी लाइब्रेरियंस हैं। उसी अनुक्रम में 27 सितंबर को हम पुण्यतिथि डॉक्टर रंगनाथन की सेलिब्रेट करते हैं और शहर के पाठकों को प्रकाशकों को हम जो है उस दिन सम्मानित करते हैं ताकि ये पठन पाठन की जो आदत है वो हमारे पाठकों में हमारे युवाओं में जो है बनी रहे। अहिल्या लाइब्रेरी में आपने लेखकों के लिए गोष्ठी करने के लिए जगह उपलब्ध कराई है, तो इसके पीछे वजह? इसको ये हुआ कि एक पाठक संसद हमने बनाई है और उस पाठक संसद में हमारे एक मित्र जो है सत्यनारायण महेश्वरी जी और हम 4-5 लोगों ने मिलकर ये तय किया कि इस पाठक संसद में हम महीने भर में जो कुछ पढ़ाएंगे केवल उसकी चर्चा करेंगे, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, कोई चंदा चकोरी की बात नहीं करेंगे, किसी तरह का हम लोग वहाँ पैसा संग्रह नहीं करेंगे, हम लोग जो पढ़ के आते हैं साहित्य का जो पढ़ते हैं केवल उसी पर बात करेंगे ताकि अगले बैठक में लोग फिर से नई तैयारी से आते हैं। सर, गवर्नमेंट ने स्कूलों में लाइब्रेरी के लिए क्या योजना? मध्य प्रदेश शासन ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर नई लाइब्रेरियां स्थापित करने के लिए अनुदान जो है रिलीज किया है। हर हाई स्कूल के लिए 10,000 रुपये और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 15,000 रुपये की राशि स्वीकृत की है। अभी हाल ही में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंपेल में लाइब्रेरी इस योजना के अंतर्गत स्थापित हुई, जिसका उद्घाटन हमने वहाँ जाके किया। तो इस तरीके की ये योजना है कि मध्य प्रदेश शासन चाहता है कि हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है लाइब्रेरी स्थापित हो ताकि लाइब्रेरी का जो इथिक्स है वो बच्चों में पता लगे कि कैसे किताब इशू होती है, पढ़ना से क्या लाभ है। एक तो ये अभी मध्य प्रदेश शासन ने हाल ही में एक नया कदम जो है उठाया है, मैं मध्य प्रदेश शासन का जो है आभारी हूँ। जी, आपने बताया कि पुस्तकालय अधिनियम के आप एमपी स्तर पर चेयरमैन हैं, तो आप उसमें क्या करने जा रहे हैं? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा प्रदेश में जो है पुस्तकालय सेवाएं व्यवस्थित रूप से जो है सुसंचालित हो सकती हैं। हमारे देश में 19 राज्यों में जो है लाइब्रेरी कानून बना है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में लाइब्रेरी कानून नहीं बना है। तो मध्य प्रदेश शासन ने अभी हाल जो है एक कमेटी गठित की है जिसका अध्यक्ष हमें नियुक्त किया है और उसका एक हिंदी और अंग्रेजी प्रारूप जो है तैयार करके हमने मध्य प्रदेश शासन को सुपुर्द किया है और उसकी हाल ही में अभी मई में बैठक होगी। अंतिम निर्णय जो है उस बैठक में होगा, उससे प्रदेश की सभी सार्वजनिक लाइब्रेरी जो है वो व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकेगी। यह है इसमें। सर, पुस्तकें पढ़ने का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है और क्या असर होता है, क्या फर्क पड़ता है पुस्तकें पढ़ने से? किसी ने कहा है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, सुबह जागा जिस जगह उसके आगे कुछ पढ़ के सो। एक और बात हम बताते हैं, अन्ना हजारे जी का नाम आपने सुना होगा, एक आंदोलन उन्होंने चलाया, उनके जीवन में एक बार आत्महत्या करने का मन बना, लेकिन उसी दरमियान स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य उन्हें पढ़ा और उस साहित्य को पढ़ने से जीवन में एक ऐसा यू टर्न आया कि जो उनके मन में आत्महत्या का ख्याल था
वो समाप्त हो गया। ये चमत्कार है पढ़ने का। ऐसे ही और भी लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे, तो आप देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।